नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन। मैं हूं अभिजीत शर्मा। चलिए रुख करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को द नगरी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि प्रदेश की बीजेपी सरकार पिछले एक साल से सिर्फ कांग्रेस को कोसने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। ना तो वो युवाओं को रोजगार देने में सफल हुई और ना ही युवाओं को इंसाफ दिलाने। बीजेपी सरकार सिर्फ एसआई भर्ती का सर्कस ही चला रही है। आरएलपी और कांग्रेस के गठबंधन पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दो सीटें देगी तभी गठबंधन होगा। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस से गठबंधन होने पर आरएलपी खिमसर और देवली उनियारा सीट पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन नहीं होने पर झुंझुनू, देवली उनियारा, खिमसर और एकाध सीट पर आरएलपी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही बेनीवाल बोले कि खिमसर विधानसभा क्षेत्र मेरे परिवार की तरह है। लोकसभा चुनाव के बाद मैंने खिमसर में जगह जगह दौरा किया। उन्होंने कहा कि खिमसर में 8 चुनाव लगातार हम और हमारे परिवार के सदस्य जीते हैं। यहाँ पर खुद जनता ही चुनाव लड़ती है और उम्मीदवार भी जनता की पसंद का होता है। राजस्थान के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि राजस्थान की जनता भजनलाल सरकार के करीब 10 महीनों की विफलता के खिलाफ वोट करेगी। इन 10 महीनों में मुख्यमंत्री ने सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम किया है, अब वो विदेशों में भी यही काम कर रहे हैं। राजस्थान की इस सर्कस सरकार से जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। अब जनता को कांग्रेस के रूप में ही एकमात्र विकल्प नजर आ रहा है। निर्वाचन आयोग ने 13 नवंबर को राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव करने की घोषणा की है। कांग्रेस का मजबूत कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ चुनाव के लिए तैयार है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर नीमका थाना के नरसिंहपुरी पहुंचे। शिक्षा मंत्री ने नरसिंहपुरी गांव में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक संस्कृत स्कूल के जीर्णोद्वार भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान मदन दिलावर ने स्कूल में महिला टीचर के कपड़ों को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि कई शिक्षिका अच्छे कपड़े पहनकर नहीं जाती, वो पूरे शरीर को दिखाकर चलती है। हाल ही में राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में 2000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। वहीं इस पर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पकड़ी गई करीब 2000 करोड़ की ड्रग्स राजस्थान के सीमावर्ती जिले से आई है। इस पर कांग्रेस नेता, राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा अपराध का ग्राफ गिराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कहा जा रहा है कि राजस्थान में 2000 करोड़ की ड्रग्स आई है। ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा को स्पष्ट करना चाहिए कि इनमें कौन सही है। राजस्थान की भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके किरोड़ी लाल मीणा को 5 सीटों पर चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें दौसा, चौरासी, सुलुम्बर, रामगढ़ और देवली उनियारा विधानसभा सीट शामिल है। किरोड़ी लाल मीणा ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान दावा किया कि दौसा और देवली उनियारा सीट पर भाजपा के पक्ष में परिणाम होगा और भजनलाल सरकार के 10 महीनों के कामकाज के आधार पर जनता के बीच जाएंगे और बीजेपी के लिए सियासी जमीन तैयार करेंगे। उदयपुर का आदमकोट लेपर्ड शहर के पास पहुंच चुका है। पहले लेपर्ड का मूवमेंट गोगुंदा तहसील में था, जो शहर से 35-40 किलोमीटर दूर है। गोगुंदा में ही लेपर्ड ने 7 लोगों का शिकार किया था। एक शिकार झाड़ोर में हुआ, लेकिन अब लेपर्ड का मूवमेंट उदयपुर के बड़गांव में देखा गया है, जो शहर से 15-16 किलोमीटर दूर है। बड़गांव में बुधवार को लेपर्ड ने एक महिला पर हमला भी कर दिया। केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को रबी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार को इस फैसले से देश के करोड़ों किसानों को लाभ मिलेगा। इसे मोदी सरकार का किसान को दिवाली गिफ्ट कहा जा रहा है। गेहूं, सरसों सहित 6 रबी फसलों की कीमत बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी से देश भर में लगभग 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को लाभ मिलेगा। फिलहाल डीए 50% है और अब सरकार इनमें 3% की बढ़ोतरी कर चुकी है। 1 जुलाई 2024 से 53% लागू हो गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद राज्य सरकारें भी राज्य कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी कर सकती हैं। इस्तीफे के बाद से ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत आप कार्यकर्ता 16 से 29 अक्टूबर तक उनके द्वारा दिल्ली की जनता के नाम लिखे पत्र को लेकर घर घर जाएंगे और केजरीवाल को जेल भेजने के पीछे का असल सच जनता को बताएंगे।
तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आप देख रहे हैं डिजिटल बुलेटिन। नमस्कार।